हाँ जी, मैंने भी मदर बनने के बाद इस बात को बहुत दिल से महसूस किया कि पेरेंटिंग इज़ नॉट अ वेरी इजी टास्क, बहुत मुश्किल टास्क होता है बच्चों की परवरिश करना। और आजकल ख़ास तौर पे ऐसे मौक़ों पे, ऐसे एरा में जहाँ पे डिजिटल हो गया है सब कुछ, एज यू कैन सी इन द पिक्चर हाउ माई किड्स हैव बीन यूजिंग टैबलेट टू टेक डिफरेंट फोटोग्राफ्स, बट बच्चों को मसरूफ़ रखना, उन पर नज़र रखना, इट्स नॉट इनफ। पेरेंट्स के अंदर बहुत डिफरेंट तरह के स्किल्स होने चाहिए, बच्चों के टेंट्रम्स को कंट्रोल करना आना चाहिए। एक स्टेज आती है जहाँ बच्चों के अंदर मेल्टडाउन पॉइंट आता है, जिसमें उनके टेंट्रम इंक्रीज हो जाते हैं ड्यू टू डिफरेंट इश्यूज, उनको किस तरह केयर करना, इट्स नॉट अ वेरी इजी टास्क। कुछ ऐसा वक्त भी आता है जिसमें हमें एट टाइम गुस्से को भी कंट्रोल करना होता है, बच्चे के टेंपर को भी काम करना होता है, ख़ुद भी अपने टेंपर को कंट्रोल में रखना होता है और अपना दिमाग लड़ाना होता है कि बच्चे को किस तरह उसका दिमाग को डाइवर्ट किया जाए। बच्चों की असल पर्सनालिटी को डेवलप करने का ही जो असल वक्त होता है वो होता है 1 से 7 साल की उम्र, एंड उस दौरान ही आपको बहुत सारे, मैंने यूजली देखे हैं कि पेरेंटिंग में उस वक्त फोकस नहीं किया जाता, अलबत्ता जब बड़े हो जाते हैं और समझदार होते हैं तो उस वक्त उनको करेक्ट करने की कोशिश की जा रही होती है। आई थिंक सो, हम सबको सीखना चाहिए। मैं अभी भी स्टिल बहुत सर्च करती हूँ रिगार्डिंग पेरेंटिंग, आई ट्राई टू टेक ऑनलाइन वर्कशॉप्स, फिर भी आई थिंक आई हैव टू लर्न लॉट अबाउट पेरेंटिंग, एंड I wish all the mothers to get a very easy hold on their kids, and wish all of them a best of luck. आप भी ज़रूर अपनी राय शेयर कीजिएगा रिगार्डिंग पेरेंटिंग। अगर कोई अच्छा पॉजिटिव सजेशन देना चाहें मदर्स को आउट देयर ऑन द सोशल मीडिया वर्ल्ड, तो ज़रूर आप अपने नीचे कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो दिस इज़ मी हिबा वाई साइनिंग ऑफ एज अ मदर ऑफ टू बॉयज़।